घोसी में ऐतिहासिक जीत के लिए मैं घोसी की जनता, वहाँ की नारी शक्ति का रूप, हमारी महिला शक्ति को, हमारी युवा शक्ति को, हमारे पिता तुल्य को, वहाँ की समस्त जनता को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ जो इंडिया का गठबंधन है, ये इस गठबंधन की जीत है। और ये जीत सिर्फ घोसी के एक उपचुनाव की जीत नहीं है, ये जीत का डंका है, जो इंडिया का डंका है, और ये पूरे देश में बज रहा है इस समय। क्योंकि जिस मार्जिन से ये जीत हुई है, ये मार्जिन बताता है कि आपने वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 40 मंत्री, कितने सांसद, पूर्व सांसद, और आपके 500 के लगभग पन्ना प्रभारी और ना जाने कितने कार्यकर्ताओं को बिठा दिया। उसके बाद भी ये जो चुनाव था, मैंने उस समय भी कहा था, ये चुनाव जो है ये जनता बनाम एनडीए चुनाव है, और जनता जो है वो इंडिया के साथ है, और इसकी जो बम्पर जीत है उसका पूरा का पूरा श्रेय जनता को जाता है। ये बात करें तो आपकी जीत से ज्यादा हार के चर्चे उनके हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बड़ी जो बात है वो काफी सारे लोग भूल जाते हैं कि आपके पास जो आपका सबसे बड़ा जो शस्त्र कहेंगे, वो आपका दिमाग और आपकी वाणी है। आप उस वाणी से बड़े जो कहते हैं युद्ध हैं, उन्हें जीत भी सकते हैं, और आप बड़े से बड़े संगठनों को तोड़ भी सकते हैं, और इस तरीके से मुंह के बल गिर भी सकते हैं। तो ये प्रमाण जो है वो सामने आया है, प्रत्यक्ष आया है, कि आप जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और किसके खिलाफ करते हैं, और अपनी सिर्फ और सिर्फ कि हम कैसे सत्ता में बने रहें, किस तरीके से हमें वो पद मिले जिसके हम इच्छा रखते हैं, उसको पाने के लिए आप किसी भी जाति के विरोध में बोलेंगे, किसी भी मतलब व्यक्तिगत लोगों के विरोध में बोलेंगे, किसी भी समाज के विरोध में बोलेंगे, तो जनता भी उसका जवाब इसी प्रकार से आपको देगी। 2024 में इसके क्या मायने होंगे? बहुत बड़ा मायना है, मैंने कह दिया, किसी भी युद्ध के पहले जो है शंखनाद होता है। तो ये जो उपचुनाव है, ये जनता ने चुनाव लड़ा, और आप देख लीजिए कि सत्ता में कहते हैं कि उपचुनाव जीतना बड़ा ही कठिन काम होता है, और इस उपचुनाव में पूरी सत्ता ने जोर लगा दिया। उनके सारे मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वहाँ पे आए। लेकिन उसके बाद 60,000+ के मार्जिन से इंडिया का गठबंधन और जनता जीती है। मैं जनता को पूरे दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ।